अगस्त माह मासिक राशि फल 2024 क्या कहती है आपकी बार की ग्रह चाल? सेहत साथ देगी या फिर परेशान करेगी? रिश्तों के मामले में कितने लकी रहेंगे? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कमाई के तोड़ेंगे कितने रिकॉर्ड? मेहनत संग किस्मत देगी कितना साथ? क्या हासिल करेंगे और क्या खोएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर लेकर हाजिर है। क्या कहता है आपका मासिक राशि फल 2024? शनि की राशि कुंभ के बारे में आज हम बताएंगे, जो कि आप ही की राशि है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये जो महीने की जो शुरुआत हो रही है अगस्त की, ये आप लोगों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस महीने ग्रह नक्षत्रों की जो दशाएं हैं वो आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, आपकी हेल्थ वेल्थ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है। इस महीने जो आपने सोचा है क्या वो होगा या उसके उलट ही होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर इंसान जानना चाहता है अपने भविष्य के बारे में कि भाई आने वाला कल उसके लिए क्या लेकर आ रहा है। यही आज हम जानेंगे आपके लिए मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले ग्रह चाल क्या कहते हैं लोगों की? देखिए, बात करें कुंभ राशि वालों की तो लग्न भाव में शनि वक्री अवस्था में है और दूसरे भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में गुरु और मंगल की युति है, पंचम भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में सूर्य, सप्तम भाव में शुक्र और बुध की युति और अष्टम भाव में केतु है और बाकी सारे भाव खाली है। तो ये ग्रह स्थिति बहुत अच्छा संकेत दे रही है कुंभ राशि वालों के लिए। इस महीने में मन चाहे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और कार्य व्यवसाय में भी अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। चलिए, मन चाहे परिणाम देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है ये सुनकर इन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी तो ज़रूर हुई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की दशा, शनि की नज़र इन पे हमेशा बनी रहती है। शनि की साढ़े साती से भी गुजरे वो अलग बात है कि लेवल अलग होगा आप लोगों का चरण में। लेकिन अब बात करते हैं सबसे पहले सेहत। मेरे मानना है कि स्वस्थ शरीर से ही आप सब कुछ कर सकते हैं, तो अब की बार सेहत आपका कितना साथ देगी? देखिए, इस महीने सेहत बहुत अच्छी रहेगी इनकी, तो कुंभ राशि वालों को कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जी। और सूर्य की स्थिति बहुत बलवान है तो सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई भी बड़ा हेल्थ इशू जो है वो इस महीने आड़े नहीं आएगा और आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर रहेगी। आप अपने आप को बड़ा फ्रेश फील करेंगे इस महीने। चलिए, इसी के साथ स्टूडेंट्स के लिए अब जानना चाहेंगे, विद्यार्थियों के लिए उनकी कोशिश, उनकी मेहनत उन्हें कितना कामयाब बना रही है इस बार? देखिए, छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। केंद्र में शुक्र और केंद्र में गुरु बुध हैं, तो गुरु और बुध जो हैं ज्ञान के कारक हैं, तो इसके चलते आपको शिक्षा परीक्षा में अच्छा लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अगर कोई आने वाले समय में परीक्षा है इस महीने में, विदेश जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सुनहरा मौका अभी बना हुआ है। मैंने जिससे हेल्थ के बारे में जाना, स्टूडेंट्स के बारे में भी समझ लिया, और अब आपकी पर्सनल लाइफ, जी हाँ, आपका निजी जीवन जो अब तक सबसे ज़्यादा प्रभावित था, आपके रिश्तों में जो खटास चल रही थी, जो तनाव चल रहा था, क्या अब जाकर आपको मुक्ति मिलेगी? आपके अपनों से आपको कितनी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? संतान पक्ष की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी, और आपका प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन अब जाकर कितना संतुलित आपको नजर आएगा, आइए मयंक जी से जानते हैं। देखिए कविता जी, जो ग्रह स्थिति बनी हुई है ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए एकदम शानदार है। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन सब बहुत अच्छे रहेंगे। मांगलिक दोष होने के बावजूद भी आपके लिए शुक्र और बुध खुशियां दे रहे हैं जी। गुरु साथ में मंगल के हैं तो मांगलिक दोष का प्रभाव आपके लिए कम रहेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना लव लाइफ, फ्रेंडशिप, मैरिड लाइफ, फैमिली सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल मयंक जी, ये भी जानना चाहूँगी कि संतान पक्ष की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी और विवाह से संबंधित जो विवाह करने के जो इच्छुक है? देखिए, संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। विवाह के योग अगर कुंडली में देखें तो अभी गोचर वश उतने बेहतर नहीं है। अच्छा, फिलहाल हालांकि सप्तम भाव में शुक्र और बुध जो है रिश्तों की बात चलेगी, रिश्ता तय होने में भी समय लगेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन को मजबूत जरूर करेंगे और संबंधों में मधुरता लाएंगे। चल, पर्सनली मैं जिसे जान लिया आपके निजी जीवन के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ क्या कहती है, और अब बात करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। आपका वर्क फ्रंट क्या कहता है? आप नौकरी में हैं, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ आप कितना अच्छा कर पाएंगे, कितने मौके आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए? तो ओवरऑल आपका प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ आपकी इस महीने काम कारोबार की गुरु मंगल के चलते कार्य व्यवसाय में लाभ अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ और
कुल मिला के बिजनेस में काफी अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है जी। तो एक बेहतरीन मंथ है आपके लिए, ये बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस महीने सफलता मिलेगी आपको। बिल्कुल, चलिए प्रोफेशनली तो आपने बता दिया, लेकिन मैंग जी अगर कुछ चेंज करना है, इन्हें स्थान परिवर्तन कर रहे हैं नौकरी में, क्या लगता है, या फिर जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो ये सही समय है? बिल्कुल, इस समय देखिए बिजनेस में तो चेंज नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिजनेस में नहीं करना, क्योंकि लग्न में शनि है, 7:30 ही है, पीक पर है, तो बिजनेस में तो भाई सोच समझ कर हाथ डालें। मैं तो कह रहा हूँ कि शुरुआत ही मत करें और नौकरी करें, इस समय नौकरी में लाभ कमाने के लिए ज़्यादा अच्छा मौका। जो लोग बिजनेसमैन हैं ऑलरेडी, उनको इस महीने बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। जॉब स्विच कर सकते कर सकते हैं बिल्कुल जी। मैं जी, हमारे काम से हमारी पहचान होती है और उसके साथ साथ हम आर्थिक तौर पर भी मजबूत बनते हैं, तो आर्थिक स्थिति आपके बारे में क्या कहती है, कितनी कमाई ये लोग इस बार कर पाएंगे, कुछ बचत वचत इस बार दिख रहे हैं क्या? देखिए, इस बार सेविंग अच्छी खासी हो जाएंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और ये महीना आपके लिए वाकई में लाभकारी साबित हो रहा है, धन लाभ के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, सुख साधनों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा इस बार आप साउंड रहेंगे, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं रहेगी। बड़ी इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी लेने में, कार लेने में, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं जी। बाकी कहीं इन्वेस्ट करना, निवेश करना, पैसा किसी को उधार देना, उन चीज़ से बचे। अच्छा, फिलहाल बचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मयंक जी, ओवरऑल इनकी पिक्चर को देखते हुए क्या लगता है, किस्मत इस बार इनका कितना साथ देकर जाएगी? देखिए, इस महीने भाग्य 90% तक है, 90%, तो मतलब कि कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना लाभ कमाने का है, इसका पूर्णतः फायदा उठाना चाहिए जी। और उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा और गणेश जी की आराधना नियमित रूप से करें जी। सूर्य देव को जल चढ़ाना मत भूलें। तो ये उपाय है। और सलाह जो अंत में हम देते हैं विशेष खासकर, वो है कि आपको इस समय स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है इस समय, है ना, तो उस चीज़ से बचेंगे। भविष्य की चिंता करनी छोड़ दीजिए, आज को आप कहना चाहिए ना, आज में जिए और आज के पल को पूरी तरीके से इसको एंजॉय करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये सलाह मयंक जी की, आप अपनी लाइफ में जिंदगी भर याद रखिएगा कि आज जो है उसमें जिए और आज में ही अपने आप को आनंदित महसूस कीजिए। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।